देखें जी, थ्योरेटिकल चीजों को समझना लाजिम है। पहले हम लिख लेते हैं और हम लिखते हैं एफिनिटी या आवाज आई जाएगी AI PS। और इनसे पहले हम कहते हैं, इनको यहाँ कर लेते हैं, प्रोडक्शन फ्लो है, हायरार्की या स्केच। या आप गेम बना रहे हो, या आप मूवी बना रहे हो, या आप कोई एनिमेशंस कर रहे हो, या आप आर्ट पर क्रिएट कर रहे हो आर्टिस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, तो उन सब में यूजुअल एक हायरार्की डेवलप होती है। और वो हायरार्की में सबसे पहले तो आपका माइंड आइडियाज आता है, और माइंड आइडियाज से पहले हम स्केच को कॉपी करते हैं और कहते हैं आइडिया। सिंपल, एक आइडिया आया कि एक बॉटल, पानी की बॉटल। और अक्सर बेशतर आर्टिस्ट ऐसे ही आइडियाज निकालते हैं जो मिला सामने, क्योंकि रियल रिजेम्बलेंस होनी चाहिए ताकि कोई भी जो देखे मूवी को या किसी भी चीज़ को, एनिमेशन को, तो वो इंटरैक्ट कर सके और खुद को ट्रांसमिट करे उस चीज़ में। इसलिए आइडिया बहुत नॉर्मल जेनरिक होता है, और वो आइडिया को फिर ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू स्केच। सेंस, स्केच के बाद उसी आइडिया को स्केच के बाद रीड किया जाता है। रीड इन द सेंस ऑफ विजुअल प्रूफिंग होती है, देखते हैं कि यार ये जो आइडिया था, ये जो स्केच किया, क्या वो आइडिया और ये स्केच आपस में मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। जो हाँ मिल रहा है वाला सब्जेक्ट आया, दैट इज इन रीड एंड विजुअल डिपार्टमेंट आर्टिस्ट करता है। अब उनके बाद वो डिजिटल होने, वो किसी भी सॉफ्टवेयर में हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर स्पेसिफाइड नहीं है। वो एफिनिटी में किया जाए, वो इलस्ट्रेटर किया जाए, वो फोटोशॉप किया जाए, या वो कोई भी सॉफ्टवेयर, डिजिटल 2D सॉफ्टवेयर हो उस पर किया जाए, कहीं पे भी, या पेपर पे किया जाए, इट डजेंट मैटर। इनके बाद वापस प्रूफिंग होती है, दोबारा प्रूफिंग होगी कि जो आइडिया इनऑर्गेनिक था, जेनरिक था, उसको जब स्केच करा वो कन्फर्म हुआ, तो क्या अब जो डिजिटल कर रहे हो वो एग्जैक्ट है। इस एग्जैक्शन को इस सेक्शन में आके कहते हैं टू मिक्स। क्या ये टू मिक है? हाँ ये टू मिक्ड है, या नहीं है? अगर नहीं है तो ये वापस बाउंस बैक होगा, वापस इन चीज़ों को देखा जाएगा, उसके हिसाब से इसको वापस रिकरेक्ट किया जाएगा और वापस ये प्रूफिंग के लिए आएगा। इनके बाद फिर आप कहना चाहो अगर, तो हम एक काम कर लेते हैं अपने लिए, ऐसा कर लेते हैं,
ये एक है, इट डजंट मीन कि कुछ नीचे आएगा, हाँ ये एक है और ये एक है, और ये मुझे इतने बड़े बड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं ना, तो मैं इनको थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ। अभी इनके बाद इनको डिपार्ट आप कंसीडर करें, इनको आर्टिस्ट कंसीडर करें, आप जैसा करना चाहें। अक्सर और बेशतर ये भी देखा गया है कि ये जो बंदा है ना, ये एक 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 अनोखा होगा, ये वो बिना वजह की पसौड़ी छोड़ देगा और चला जाएगा, अब झेलो आप लोग। तो वो झेलना यहाँ पर है, यूजुअल ऐसा देखा गया है कि भाई वो कॉन्सेप्ट को स्केच किया, प्रूफिंग की, फिर उसको डिजिटल किया और फिर उसकी वापस प्रूफिंग की गई, और जब ये सब कुछ हो गया तो फिर हम लोग मूव करते हैं, अगर वो एनिमेशन है, अगर वो गेम है, अगर वो कोई मूवी है या वो कुछ भी है, तो उसकी स्टोरी बोर्डिंग होगी। लेट मी टाइप कंप्लीटली स्टोरी बोर्डिंग। हाँ कह सकते हैं। स्क्रीन राइटिंग कौन सी, पेपर कह रहे हो या डिजिटल कह रहे हो, ऐसा कोई खासा फर्क नहीं आएगा, जिंगल्स बन जाते हैं उसमें। लेकिन अगर स्क्रीन राइटिंग अगर हम ओरिजिनल बात करें, तो अगर शायद आपका कभी किसी स्टूडियो जाना हुआ हो, तो आपने शायद देखा हो कि वो जो कॉन्फ्रेंस रूम जो होता है, हॉल नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ सारे आर्टिस्ट बैठ के एक आर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उनकी दीवार पे हर जगह पेपर पेपर लगे हुए होते हैं और वो पेपर पे बना हुआ होता है सब कुछ। वो टू मिक्स ही होता है, लेकिन इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी बोर्डिंग या स्क्रीन राइट करो। लेकिन अगर डिजिटल वाली कह रहे हो, तो उसमें हल्के कलर शेडिंग आ जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे साथ में, इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा पूरा। स्पेसिफाइड अगर फिल्म की बात की जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे और जॉनर्स निकल आएंगे, उसकी बात करते हैं थोड़ी देर में। अभी ये इन जेनरिक एक स्क्रीन राइटिंग से क्या मुराद है आपकी? देखें, स्क्रीन राइटिंग से मुराद स्टोरी बोर्ड में क्या है, आपके पास सिर्फ चीजें बनी हुई हैं। एग्जैक्टली, अब वो छोटे थंबनेल हो या बड़े पेपर पे, इट डजंट मैटर। स्क्रीन राइटिंग में उसके साथ पूरे पूरे कॉल आउट ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, सारी ब्रीफिंग आ जाएगी। इवन दो स्टोरी बोर्ड नहीं रहेगा, वो जो स्टोरी बोर्ड का एक स्टोरी है ना, लेट मी टेल यू स्टोरी बोर्ड डिंग। एक ये सीन है, ये चल पड़ा, ये स्टोरी बोर्ड का एक सीन है। इससे लेके इसके अगले पांच और फ्रेम्स जहां पे इसकी मूवमेंट, मोशन, एग्जैगरेशन और कुछ प्रिंसिपल्स ऐड हो जाएंगे कि ये क्या क्या करने वाला है इस ड्यूरेशन में। अगर ये एक फ्रेम 10 सेकंड का है, तो वो 10 सेकंड में क्या क्या होने वाला है उसकी ट्रेल्स बन जाएगी। वो तो यहाँ दिख रहा है, नहीं वो जो घर से निकल के शॉप तक पहुंचने में उसके पास जो थोड़ा सा ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा कह सकते हो, लेकिन मैं स्टॉप मोशन को मिला नहीं सकता। लाइक कॉन्सेप्ट कह सकते हो वही है। लाइक सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि घर से निकले सुपरमार्केट जा रहे हैं, सुपरमार्केट की एंट्रेंस दूसरा सीन है, राइट, हटा देते हैं इस बात को। घर से निकले, अब वो निकल के जो चल रहे हैं ना, बीच में उसको एक कैन मिला फुटपाथ पे, घर से निकला, सीन वन फुटपाथ, सीन वन डैश वन फुटपाथ पे कैन पड़ा हुआ दिखा, सीन वन डैश टू, उसने उसको उठाते हुए भी नहीं दिखाया, सिर्फ उसको डालते हुए दिखाया, सीन वन डैश थ्री, जिसे कहते हैं स्क्रीन राइटिंग। लेकिन इसमें हल्के से मोशंस हो गया, मोशंस मीन्स हल्के से कलर और सारे कॉल आउट ऑप्शंस, सारे टैंक्स दिए जाएंगे कि कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या होने वाला है, कहाँ पे क्या क्या प्रॉप्स होंगे, डिटेल्ड स्टोरी बोर्डिंग कह लो आप, विथ फ्यू ट्रेल्स। स्टोरी बोर्डिंग ये कि बस घर से निकला,
इसमें दरमियान में जो चीजें हो रही है वो हाँ ऐसा कह सकते हैं, लेकिन स्टोरी बोर्ड में एक कॉन्सेप्ट को चेंज करना जरूरी है इस वक्त। स्टोरी बोर्डिंग का ये हरगिज मकसद और मतलब कहीं नहीं रहा कि आप फ्रेम्स बनाओ। स्टोरी बोर्डिंग बनाई असल में दो वजूहात से गई है, नंबर वन प्रॉप्स, नंबर टू डेफिनेशंस। प्रॉप्स मींस अब ये वाला जो एक बंदा है जो इस वक्त कहीं से निकल रहा है या फिर ये एक स्पा सीट से उठ के जा रहा है, ये फील दे रहा है ना, और पीछे दिख रही है वो एक स्पा सीट है। स्टोरी बोर्ड का मकसद और मतलब हमेशा रहा कि आपको दिखे एक स्पा सीट, आपको प्रॉप्स का पता रहे, अगर ये फेंसेस हैं तो ये फेंस दिखे, ग्रिल है तो ग्रिल दिखे, ताकि जब आर्टिस्ट देखे या डायरेक्टर देखे या सेट डिजाइनर देखे तो वो समझ जाए कि इसमें क्या क्या प्रॉप यूज होने वाले हैं। स्टोरी बोर्ड का सबसे अहम मकसद ये था और यही रहा। ये तो हमने चेंज कर लिया, बहुत सारा इसको मोल्ड कर दिया, ऐसा है नहीं। दूसरा मकसद कि वो जो आप बनाना चाह रहे हो, वो जो आपके दिमाग में थॉट्स हैं, वो कुछ कैप्चर हो जाए। इट रियली डजेंट मीन कि ये कहीं घर के बाहर है, ये स्विमिंग पूल के पास है, या ये लॉन एरिया में या पोर्च एरिया में, इट डजेंट मीन। ये तो हमने कहा, हमने कर लिया है कि भाई पूरा सीन बना लो आप। स्टोरी बोर्ड इसलिए नहीं रहा, स्टोरी बोर्ड प्रॉप्स की आइडेंटिफिकेशन और प्रॉप्स की प्लेसमेंट्स के लिए बना था, वही सीन में हो। रेयर कभी चेंज भी हो जाती है, और वो चेंज ये होती है कि शॉट सही नहीं बैठ रहा, रूल ऑफ थर्ड में नहीं आ रहा, इसलिए। वरना ये इतनी प्रॉपर प्लेस की जाती है, इतनी प्रॉपर बनाई जाती है कि यही फाइनल शॉट हो तकरीबन। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बगैर रूल ऑफ थर्ड नहीं बनता, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि नहीं बनता, ये बहुत डिप्लोमेटिक है। लेकिन रूल ऑफ थर्ड हर किसी में होना ऐसे है जैसे खाना बिना नमक। रूल ऑफ थर्ड नहीं होगा, सीन आउट हो जाएगा। कॉम्पोजिट करना इट्स लाइक कंपाइलिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ वन पेस, एक जायका दे देना, एक फील एसेंस दे देना। रूल ऑफ थर्ड कैप्चर करने का एसेंस है कि वो कैसा दिखे। एक छोटी सी एग्जांपल, मैंने बेज बहा मूवियाँ देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। मैंने कभी भी एक्टर को स्क्रीन पेस्ट नहीं देखा, मीन स्क्रीन पे आके नहीं देखा उसको। तकरीबन जितनी मैंने मूवी देखी है, मैं अभी सोच भी रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ इस बात को करते हुए, तो मैंने स्क्रीन पेस्ट नहीं देखा। लेकिन मैंने ये स्क्रीन पेस्ट यानी कि बिल्कुल स्क्रीन पे आया हुआ शख्स एक्टर देखा दो मूवियों में, मुझे अभी याद आ रही है। एक तो पद्मावत, जब वो रणवीर आ रहा होता है ऑस्ट्रिच को लेके, तो वो बिल्कुल स्क्रीन पे है उसका चेहरा, कट भी रहा है चेहरा उसका, दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और एक अभी मैंने ये मूवी नहीं देखी, ये जो आई है कौन सी, कौन सा जट, अल्लाह जट, मौला जट, उसका एक सीन पता नहीं किसी ने डाला हुआ था वो सिनेमा में रिकॉर्ड करके, तो उसमें वो जो करेक्टर है, एक्टर है, वो भी स्क्रीन पेस्ड है। एग्जैक्टली, ये रूल ऑफ थर्ड के खिलाफ है, स्क्रीन पेस्ड नहीं होता, नहीं होना चाहिए, होता नहीं है। रूल ऑफ थर्ड कहता है नहीं होना चाहिए। इवन रूल ऑफ थर्ड तो ये भी कहता है कि आपका कोई भी कैरेक्टर, नहीं कहूँगा ऑब्जेक्ट, जो फोकस ऑब्जेक्ट है वो कभी भी स्क्रीन से टच नहीं हो, स्क्रीन एज से टच नहीं हो, टॉप एज से या राइट लेफ्ट से उसकी कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान, कान, नाक, सर, कहीं साइडों से, टॉप से टच ना हो। और एटलीस्ट 18 to 28 pixels का डिस्टेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए आपके फोकस ऑब्जेक्ट में। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। थोड़ा तो रह ही रह जाएगा या छोड़ेंगे जान के, हो
होता है, देखो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं आ ना, जाएगा तो बिल्कुल 90% नाइन्टी परसेंट मूवी में यूज किया जाता है, यूज किया जाता है लेकिन कभी यूज नहीं भी करते, लेकिन 90% किया जाता है। हो सकता है, हो सकता है। बात का कंटेक्स्ट बहुत चेंज हो जाएगा, वरना मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दिखा था जितनी मैंने देखी है अभी तक, मैंने उसमें बहुत नियर टू एक्यूरेसी देखी है रूल ऑफ थर्ड की, और सिर्फ नियर टू एक्यूरेसी ही नहीं देखी, मैंने नियर टू ऑप्टिमाइज्ड गोल्डन रेशो भी देखा है मूवीज के फ्रेम में। वो तो एक एक यूनिवर्सल एलिमेंट है, वो आउट ऑफ नोवेयर है, वो तो एक खतरनाक चीज है, वो तो उसकी तो बात नहीं करो, लफ्ज ही नहीं है मेरे पास। तो वो तो दूर की कहानी है हमारी, हम तो मौला जट पे फंसे हुए हैं बेचारे। तो असूलन रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं आपकी बात सही है, होगा मुमकिन है कि कहीं कहीं छोड़ना पड़े टेस्ट डेवलप करने के लिए, मूड सेट करने के लिए। तो खैर, अब इनके बाद, इन बातों के बाद एक और बात आती है, स्टोरी बोर्डिंग, प्रॉप्स डेवलपमेंट, कि भाई, और ये अलग नहीं रखूंगा मैं इसके साथ सब वैल्यू बनाऊंगा ऐसे, प्रॉप्स डेवलपमेंट, कि भाई आपने जो जो सोचा, जो जो सीन्स होंगे उसमें प्रॉप्स क्या होने चाहिए, ये पूरा एक हायरार्की है। जब ये सब कुछ हो जाएगा, इसमें बहुत सारी और चीजें आती है, मैं बहुत शॉर्ट करके बात कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपने क्या करना है। दो मिनट प्ले सेशन लेके इनको किसी से मिल जाए कि एक दूसरे से बात कर लें, दो मिनट प्ले सेशन, दो मिनट गाइस। दो इन चीजों के बाद यूजुअल, मैं बाद में बाकी फिर एरोस लगा लूंगा, यूजुअल बाद में लुक डेफ पे जाते हैं हम लोग, और नहीं लुक डेफ डेफ इसको बाद में रखते हैं, यूजुअल लुक डेफ से पहले डिजिटाइजिंग में जाते हैं, और डिजिटाइजिंग में मैं इस बात को प्रॉम्प्ट कर दूं, ये है 2D, यहाँ पे 2D डिजिटाइजिंग, 2D डिजिटाइजिंग के बाद 2D लुक डेव होता है, यानी कि उसके लुक्स की डेवलपमेंट चेक की जाती है फ्लैट टोनिंग में, ग्रे स्केल हो गया, वाइट स्केल हो गया, अकॉर्डिंग एंड कंट्रास्ट ऑफ द अदर थिंग्स, बैकग्राउंड का जो भी कंट्रास्ट डेवलप हो रहा होगा उसका लुक डेव चेक किया जाता है, और ये 2D होता है। और यहीं पे कलर इम्प्रूव्स यूज किए जाते हैं, यानी कि यूज करने का मकसद और मतलब है, रिसर्च होती है कलर्स पे कि कैसे कलर्स होने चाहिए, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कलर्स डिफाइन किए हों, और इन कलर्स की इम्प्रूव को थोड़ा सा ऐड करते हैं आइडिया में, क्योंकि आइडिया के हिसाब से उसका क्या लफ्ज़ देंगे हम, वैसे ये जेनरिक होता है लेकिन इसको आपको समझाने के लिए मूड कह सकते हैं, और मूड को मैं ऐसे रख रहा हूं, और ये उल्टे सीधे एरोस, ये एडजस्टमेंट्स की कोई वजह है जो मैं बाद में समझाऊंगा, ये ऐसे ही नहीं है, ये कोई वजूहत से, और मूड्स यहीं पर डेवलप होने के बाद ये मूड्स का जो टू मिक्स होता है, टू मिक्स में डेवलपमेंट होती है आपके कलर्स की,
जो आप देखते हो अक्सर व बेशतर आपके पास जो 2D ड्राइंग होती है या 2D जो भी होता है उसमें हल्की हल्की शेडिंग और कलर्स और हल्का कोई आपने कोई देखा हो ट्यूटोरियल तो आर्टिस्ट 2-3 ब्रश बना लेता है और कलर ब्रश से कर लेता है कि यही यूज़ किए जाएंगे पूरे इस पूरे कैरेक्टर में या प्रोडक्ट में या ऑब्जेक्ट में। तो वो जो है वो जो कलर्स हैं वो कलर्स डैप होते हैं और वो कलर डैप निकलता है आपके आइडिया मूड से और इन दोनों का जो एक क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन होता है वो कलर इम्प्रूव्स होता है। अक्सर व बेशतर कभी कभी सॉरी अक्सर व बेशतर नहीं कभी कभी यहाँ से मैंने ये एक पूरी जगह छोड़ रखी है ये मेरा रफ वर्क है और इन्हें नाम देते हैं रफ वर्क को डैट टीम जो कि चीजों को देखती है। डैट टीम के पास प्रोजेक्ट जब आता है जब प्रोजेक्ट फ्लॉप हो रहा होता है फेल हो रहा होता है या प्रोजेक्ट फंस रहा होता है और वो ऐसा फंस रहा होता है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमने कलर्स वगैरह मूड से निकाल लिए सब कुछ हो गया लेकिन लुक डेफ के बाद वो फील नहीं निकल के आ रहा प्रोजेक्ट बाउंस हुआ फिर से नए कलर डिप्लॉय हुए फिर से नए कलर का लुक डेफ बना वो फील नहीं आ रहा और 3-4 बार करने के बाद देखा कि 2 वीक गुजर गए 4 वीक गुजर गए या प्रोग्रेसिव 60 डेज हो गए 60 डेज यानी कि सैटरडे संडे हटा के तो फिर वो प्रोजेक्ट उठेगा और वो डेड टीम के पास चला जाएगा। अब जो काम करेगी उसको डेड टीम करेगी उसको फिर रीस्टेट कहते हैं वैसे तो रीइंस्टेट करके वापस देगी जिस लास्ट डिपार्ट पे रुका था वो। ये डेड टीम जो होती है ये अगर January 1st, 2023 को कोई मूवी स्टार्ट हुई बनना आई मीन यहाँ से यहाँ पे 6 महीने 8 महीने साल 2 साल लग चुके होते हैं बनना शुरू हुई और January 1st, 2025 यहाँ तक पहुँची कहानी तो ये 2 साल बैठे हुए मस्त पिज़्ज़ा खा रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर रहे। हो सकता है जनवरी या December 31st, 2026 मूवी फिनिश्ड ये वही पिज़्ज़ा खा रहे हैं नहीं हाईली पेड है एग्जैक्टली अगर सपोज इस डिपार्ट में कलर इम्प्रूव्स में 10 लोग हैं और उन 10 की एवरेज सैलरी बन रही है एनुअली $20,000 सबकी मिला के जिसमें प्रोजेक्ट हेड प्रोजेक्ट लीड असिस्ट लीड उन सबकी मिला के $20,000 एनुअली सैलरी बन रही है तो 10 और वो 3-4 जो इसके ऊपर जो लीड कर रहे होंगे वो मिला के 15 लोग हो गए लेट्स सपोज तो इस टीम में कुछ 7 से 8 लोग होंगे मैक्सिमम 6 की देखी गई है लास्ट अब पता नहीं क्या चल रहा है तो उस एक बंदे की एनुअल इनकम उन 15 के मल्टीप्लाई 2 से होती है स्टार्ट 50-40-45 हज़ार डॉलर से स्टार्ट हो रही होती है एक की और वो एक जो बैठा होगा एक बैठा होगा 2D से एक बैठा होगा सिर्फ लुक डेफ से और वो एक ऐसा होगा जो 200 के हिसाब का काम करता होगा वो इतना खतरनाक होगा। ऑनेस्टली इस पूरे प्रोसेस में क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती ये तो हम डिप्लोमेटिक होके बोलते हैं कि डिग्री स्लो वरना आवाम हमारी बोलेगी मैं नहीं डरने वाला तो मैं सीधा स्ट्रेट बोल रहा हूँ या क्वालिफिकेशन का मैटर नहीं करता या मैटर करता है एक्सपीरियंस का। आप क्वालिफाइड उठा लो बैचलर्स मास्टर्स और क्वालिफाइड उठा लो आप जमीन आसमान का डिफरेंस दिखता है और वही बैचलर मास्टर्स 10 साल लगाने के बाद वही क्वालिफाइड हो जाते हैं तो कुछ लाइक हेल्थ के लिए जो बॉयज होते हैं
सर ऑनेस्टी को फेस करते हैं, और अभी कुछ दिनों पहले साइंस से ऐसी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही थी साथ, तो हमारी यहाँ आके एक डिस्कशन हुई, और डोरिटोस कितने लोग खाते हैं यूजुअल हमारे बीच में, एक पीछे उसने हाथ उठाया, मैं नहीं खाता, बेगम लेके आती तो खा लेता हूँ, ऑनेस्ट दो हो गए, और कितने खाते हैं डोरिटोस, देखा नहीं, एक ऑनेस्ट होके बिल्कुल, क्योंकि खुद से सच्चे रहोगे ना तो सही रहोगे, कामयाब रहोगे, और बाकी कोई है जो डोरिटोस खाता है या जानता है, जानते हो, एक जानता है, एक एक है जानते हो, है ये ऐसे चिप्स होते हैं ट्रायंगल टाइप के होते हैं, टेस्ट खराब है, वही अंगूर खट्टे, नो डिस्क्रिमिनेशन, हाँ यार ये तो बात एक्सपायर नहीं लो ना यार, जस्ट किडिंग, नो ऑफेंस। अब मुझे एक बात बताएं, ये एक डोरिटोस अगर मैं इस मार्केट में लेके आऊं ऐसा कुछ, वो चलेगा या 10 रुपए वाले चेरी बॉल्स, ऑनेस्ट, डिमांड एंड सप्लाई, प्रॉब्लम ये है सर, हम इकरा को, आई लव इकरा, मेरी पड़ोसी वाली यूली नहीं, या कोई भी हो चाहे फातिमा क्यों ना हो, हम किसी के साथ ब्लेम गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि इकरा में आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, जैबेस्ट हो के यू हो कुछ भी हो, यहाँ पे आउट ऑफ 100 कितने लोग पढ़ने वाले हैं, और उन्हें भी अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी, प्रॉब्लम ये, और जहाँ बैठ के टेक्निकल बात करना शुरू हो जाएंगे ना लोग, यूँ निकलना शुरू हो जाएंगे, तो क्या दें, और दूसरे ने भी बिजनेस करना है, ऑनेस्ट होकर तो चलो, एग्जैक्टली होता भी नहीं, सर एक्चुअली थोड़ा सा ब्लेम गेम से हटके फिर से एक और बात को उजागर करें अगर, कि एक तो वो वाला सरकमटेंस है हमारे पास कि इसने कर लिया उसने कर लिया 2 लाख कमा रहा है चल कर लेता है, ये वाला है नंबर टू। अब मेरा तो इंटरेस्ट भी नहीं है भाई 2 लाख में, अपना तो जमाने में यही हाल होता है, लेकिन अम्मा ने कहा तो कर लेते हैं चलो, वो पड़ोसी का बच्चा अच्छा कर रहा तुम क्यों नहीं कर रहे, ये वाला भी आ गया, एक एलिमेंट आस्पेक्ट आ गया, कुछ भी हो जब हम जा रहे हैं ना, एन एक्चुअल 50% हम खुद से सिंसियर नहीं है, अब बाकी का बच्चा कुछ है 50% जो है ना हमारी काउंसलिंग भी नहीं है, अब जब हम एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ कोई काउंसलर नहीं बैठा हुआ जो बाकायदा बैठ के अकेले तन्हाई में काउंसलिंग करे कि भाई आ क्यों रहा है, मालूम क्या है, और छोटे पैमाने पे आ जाओ हमारी कराची यूनिवर्सिटी में भी अगर एडमिशन चाहिए आपको पहले ड्राइंग एटलीस्ट आनी चाहिए और आपका आर्टवर्क अच्छा होना चाहिए, स्केच
तो वो लोग लेंगे। आप देख रहे हो फिल्टर कर रहे हैं कि अच्छी आपको आर्ट आनी चाहिए, और वो आर्ट अगर मैं फेल हो गया, नहीं हुआ एडमिशन, तो फिर मैं इस बारे में रिसर्च करूंगा, पढ़ूंगा, इस फील्ड में आऊंगा, इस वे में। अबे मुझे पता चले तो फिर अगर एक बैच में 50 स्टूडेंट है, 50 में से 4 निकल रहे हैं जिनको पढ़ना था और नहीं मिला, तो अनफॉर्चुनेटली गेहूं के साथ गंदम भी पिसेगा। तो नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं एस्पेक्ट्स। तो हम चलते हैं वापस डेट टीम की तरफ ना। हाँ, और सैलरी भी क्यों डिस्कस की गई, क्योंकि कुछ और प्रीमिसेस में सैलरी डिफाइन करती है आपके एक्सपीरियंस को, आपके एक्सपर्टीज को। मैंने इस पूरी जगह पे भी एक्सेप्ट दिस, और यहाँ पे भी मैंने कोई प्राइमली ऐसा नहीं कहा कि ये सॉफ्टवेयर अभी तक, और आप आखिर तक देखोगे कि कहीं ऐसा प्राइम फोकस नहीं होगा कि ये सॉफ्टवेयर। यहाँ सारा गेम सॉफ्टवेयर का नहीं, स्किल्स का। तो हर जगह हर डिपार्टमेंट आपकी स्किल्स हाईली एक्सपर्टाइज्ड आपका होना लाजिम है। आपको हमारे लफ्जों में इन जेनरिक होके आपको इस टीम में जुगाड़ का बाप होना बनता है, क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ क्या फंसा हुआ और कहाँ से क्या निकलना है। तो आप बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एकेडमिक्स एस्पेक्ट्स और बहुत सारे एथिक्स को भूल के काम कर रहे होते हैं आप यहाँ पे। हो सकता है कैरेक्टर के बाल उड़ाने और बाल नहीं उड़े, तो उसने बालों की जगह कपड़ा लगा दिया और उसका ऐसा टेक्सचर दिया कि वो बाल बन गए, आप एथिकल आउट हो गए। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे काम हम बहुत स्ट्रेट होके कर रहे होते हैं और वो नहीं होने वाले होते, वैसे होते भी नहीं कभी कभी, तो आपको बहुत सारे अदर ट्रैक्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो डैट टीम का यहाँ डिस्कस होना डेवलपमेंट में ज़रूरी था। अब जब कलर इम्प्रूव हो जाएगा आपका, तो कलर इम्प्रूव के बाद अब आप जाएंगे इसके सिंपल 3D लुक्स में। और 3D लुक्स का ऐसा मेरा हरगिज मतलब नहीं है कि आप 3D सॉफ्टवेयर में चले गए। 3D लुक्स का भी मतलब ये है कि ये आपके स्केचेस होंगे, जो कि एक लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ मैं स्किप कर रहा हूँ, एनामॉर्फिक तो अच्छी थी, एनामॉर्फिक ड्राइंग, आई गेस यही लफ्ज है, यस यही लफ्ज है, एनामॉर्फिक लुक्स बनते हैं। ये 3D होते नहीं है, इल्यूजन 3D होता है, इन्हें एनामॉर्फिक कहा जाता है। बहुत सारी चीजें इसमें जरूरी है, एंगल, पर्सपेक्टिव, बहुत सारी चीजें। तो आपके लुक्स का, सॉरी 3D लुक्स नहीं कहते इसको, लुक्स का 3D वर्जन बनता है विद द हेल्प ऑफ एनामॉर्फिक। और इसलिए मैंने स्केच रखा हुआ है नीचे, ऐसे निकालते हैं के नीचे अच्छा लगेगा। ड्राइंग सिंपली ड्राइंग, और ये वो ड्राइंग होगी जो आपकी टूमिक्स में डिफाइन हुई भी होगी, उनके एनामॉर्फिक्स बनाए जाते हैं, ये देखने में कैसा लगेगा। यस एग्जैक्टली, वंस एवरीथिंग इज ओके एंड वी आर इन अ गुड थिंग्स, तो अब आप जाते हो अपने प्योरली, ओए चलिए तो चाहिए 3D डेव में। 3D डेव मींस बेसिक इन स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, जैसे याद है हमें मैथ्स में लैब रेडी कर लो, ये जो लैब रेडी है ना, ये 3D डैव है, जहाँ पे आप बेसिक शेप के साथ मॉडलिंग करते चले जाते हो, जिसको हम दूसरी जबान में ये भी कहते हैं हम ब्लॉकिंग कर लो।
जब 3D डैब होना शुरू हो जाता है तो फिर और आपने देखा कि हाँ भाई सब सही है, मस्त चल रहा है, सब कुछ ओके, अब आगे बढ़ा जाए, तो फिर इसका बनता है 3D लुक डैब, और लुक डैब में डिटेलिंग ऐड करना शुरू करता है। और आपने इस बात को क्या नोट किया कि मैंने 3D डैब में कोई सॉफ्टवेयर नहीं कहा, मैंने ये कहा 3D डैब, और 3D डैब के लिए अब आप जो मूड हो आपका, 3ds Max, माया, रेवेट, C4D, ब्लेंडर एंड मैनी मोर, जो भी मिले आपको, आपको 3D बनाना है। अपने पास तो ये है ना कि डिजाइनर चाहिए, और डिजाइनर को झाड़ू भी लगाना आनी चाहिए। वेबसाइट भी बना ले तो बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, और संडेज को भी आना हो सकता है, और आने का टाइम है, जाने का नहीं है। सैलरी 18,000 रुपये देंगे हम आपको, अपना है ये सिस्टम, असूलन ऐसा नहीं है सिस्टम, इसलिए इसको नीचे रखते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर डजेंट मैटर। किसका कॉलम बनाया ना सर, फादर मदर का? ओके ये पता है वो वाली एग्जाम्पल है कि डिजाइनर की जॉब के इंटरव्यू के लिए HR का बंदा बैठा हुआ है, वो डिजाइनर से बोल रहा हाँ बताओ भाई क्या होता है, डिजाइनर हमारे को हाँ भाई आप सैलरी लेते क्यों बोल रहे काम करने का, सैलरी नहीं काम करने का, और उसने वो अपनी बात करती वो ऑफिस को कर दी। डिप्लोमेसी सर, डिप्लोमेसी, और हम ऐसे सुधरने वाले नहीं है तो जान देते हैं ये चीज़ भी। और आपके पास बिल्कुल सही है कि हमारे जो हमारे डिपार्टमेंट में बैठे हैं डिजाइनर, डिजाइनर वो सवाल कर मतलब सवाल इंटरव्यू में आएगा ना, इंटरव्यू कर लिया और HR कर देते क्यों बस उसको अपना भी मंजा लेकर आना चाहिए कि हमसे क्यों नहीं पूछे। और आपके पास ये है वो डिजाइनर से आप क्या पूछेंगे, कैसे सोचते कितना आते हैं, कितना काम किया है, उसकी पैकेजिंग के बारे में कितना पता है, अपनी पर्सनल अफेयर्स में हमारे कस्टमर यही होता है यहाँ पर, ऐसा है मैरिट नहीं है। और अच्छा एक और बात जो मैं देखता हूँ सीखता हूँ एक्सप्लोरेशंस में, आज भी ये बात है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ना इन्हें हम कर लेते हैं रेड, ठीक, क्योंकि डिपार्ट्स में सॉफ्टवेयर बेस्ड फाइल नहीं चलती, डिपार्ट्स में UOD चलता है, मींस FBX, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, DAE, कोलाडा फाइल, OBJ, ये एग्जांपल है, इट डजेंट मीन कि यही होगा, ये एग्जांपल है, डिपार्ट में ये फाइल चलती है, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं माया, मैं यूज कर रहा हूँ C4D, ये बहन जी MS Paint, कुछ भी हो सकता है।
नहीं, मैं एमएस पेंट, ये बहन जी ब्लेंडर, ठीक है ना? तो अब नहीं पता किसको कौन सा जम रहा है, मुद्दा स्किल्स का है। बनाना है यहाँ पे बिल्ली, अब आप किसी में भी बनाओ। तो इसलिए यूओडी फाइल्स चलती हैं, यूनिवर्सल ओवरड्राफ्ट फाइल चलती हैं, जिनके छोटे छोटे फॉर्मेट एक दो जो बहुत मोस्ट कॉमन है, ये फाइल्स ली और दी जाती हैं एक्सचेंज जिनमें होता है। और फिर इनके 3D लुक डेफ, यानी कि जब आपके थोड़े दिनों बाद सेशन स्टार्ट होता है, चलो भाई गेम एनवायरनमेंट बनाओ, क्या हुआ, क्या खुल गया, कुछ खुला है, मेरे पास क्यों ना आए, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं रखता था। ओके, मैंने ये समझ में इशारे ना, मुझे खुदा गवाही नहीं समझ में आज तक, ऐसी बहुत सारी गवाही मैंने मैचेस कर दो, मैचेस मैचेस कर दो। 3D लुक डेफ यानी कि आपके मैक्स का या माया का कोई भी वो सेशन जिसमें ऐसा हमने कहा हो चलो गेम एनवायरनमेंट बनाओ, अब वो जो गेम एनवायरनमेंट बनाना शुरू हुए आप, तो डेफिनेटली अब आप ब्लॉकिंग से बाहर निकले और अब आपने थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ऐड करना शुरू की, दैट इज 3D लुक डेफ। जिसमें मैं ये ज़रूर लिखना चाहूँगा आपको समझाने के लिए, माइनर नहीं लिखेंगे, मिड लेवल डिटेल्स, मिड लेवल की होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम गए ओरियो, ओरियो बिस्कुट, ओरियो बिस्कुट खाऊंगा, तो तुम फोन क्यों दिखा रहे हो मुझे, मैं फोन नहीं खाऊंगा। अब ये जो बिस्कुट है, ये बिस्कुट की ये जो ये वाली लाइन है ना, ये तो चलेगी, ये तो लगा सकते हैं हम, ऐरे से भी कर सकते हैं ना, लेकिन ये जो इसके अंदर का जो ये इतना सारे ये जो ये चल रहा है ना, ये मिड लेवल डिटेल में नहीं आता। अक्सर व बेशतर हम लोग देखते हैं, जैसे अभी सप्तान की और मेरी सेशन स्टार्ट होने से पहले बात हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट मैप, आप डिस्प्लेस के थ्रू मॉडल कर लो, जो आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन रेंडर में दिखेगा, या फिर यही डिस्प्लेसमेंट मैप यानी कि मैप के हिसाब से, मैप के वे में स्टेंसिल को यूज करते हुए आप जी ब्रश में इसको एक साथ सब पूरा, ये 2D ड्रॉ होगा, 2D ड्रॉ का ब्रश बनेगा और वो ब्रश से आपने जी ब्रश में जाके एक्सट्रूड कर दिया, पूरे का पूरा वैसे ही एक्सट्रूड हो जाएगा। तो ये जो बात है, ये वाली बात है, ये मिड लेवल डिटेल में नहीं आती। मिड लेवल डिटेल में जैसे आपके टेबल का कॉर्नर हो गया, आपकी स्क्रीन के अंदर की डेप्थ हो गई, आपके फैन की ग्रिल हो गई, आपके ये शीशों के साथ जो ये हल्की हल्की आपकी फ्रेमिंग चल रही है, ये हो गई, दैट इज मिड लेवल डिटेल्स। अब फिर हम जाते हैं व्यू डेव में, और यहाँ पे व्यू डेवलपमेंट में मैं मिड और लेवल हटा रहा हूँ, ये प्रॉपर डिटेल्ड होता है। एग्जैक्टली और आप इस बात को भी मद्देनजर रखें कि मैंने यहाँ लिख दिया ये रेड में, और चलो भूल सकते हैं हम, मैं यही रेड यहाँ रख रहा हूँ, यही रेड नहीं यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए होगा जैसे जी ब्रश, या फिर आपको चाहिए होगा मड बॉक्स जो कि अब यूज़ नहीं किया जाता, या सैंड बॉक्स, या कोई भी आप ऐसा स्कल्पचिंग सॉफ्टवेयर जिसमें एक नाम ऐड कर सकते हैं ब्लेंडर, जहाँ से आप स्कल्पचिंग कर सको डिटेल डालने के लिए, जो भी इसका सॉफ्टवेयर हो आपका वो यूज करो। मेक सेंस के कोई भी सॉफ्टवेयर पे पेनेट्रेट नहीं करेगा। और फिर इन सब के होने के बाद, और अभी सिर्फ यहां तक बना है, अब यहां पे दो शाखें निकाल लेते हैं, ये वाली, ये है स्टैटिक और दूसरी शाख है डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक का मकसद मेरा बहुत सिंपल सा है, फॉर सपोज कोई मूवी है, थोड़ा सा प्रिसाइज कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, अगर मूवी है, मूवी में अक्सर और बेहतर क्या होता है, कैरेक्टर मूव हो रहा है, चीज़ें मूव हो रही हैं, बैकग्राउंड स्टैटिक रहता है,
तो अगर वो सब स्टैटिक वाली चीज़ें हैं तो वो जो भी आप बना रहे हो वो यहाँ आके थम जाएंगी, और यहाँ के बाद अब ब्रांचिंग डेवलप होगी। कैरेक्टर जा रहा है पीछे, बिल्डिंग स्टिल है, वो स्टैटिक में जाके रुक गया और वो ब्रांचिंग वन में चला गया, और ब्रांचिंग वन जिसको हम कह रहे हैं स्टैटिक, स्टैटिक, और अब यहाँ पे इसका गेम शुरू होगा, दैट इज टेक्सचरिंग, टेक्सचरिंग, और फिर उसके मटेरियल्स और जो 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 स्टैटिक है, जो हिलना नहीं है। अगर मूवी है और अब वो बिल्डिंग में कोई कुछ टकराने वाला है और वो टूट के गिरने वाली है, तो वो स्टैटिक से निकल जाएगी, वो डायनामिक्स में जाएगी। ना ना ना, वो या इस तरफ मुड़ेगी नहीं, वो इस तरफ घूमेगी, यू टर्न लेगी, क्योंकि डायनामिक्स में भी आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है स्टैटिक डायनामिक और एक है आपका सिमुलेटिव डायनामिक। और एक और जो हम यहाँ नहीं देखते लेकिन हम यूज़ करते हैं ग्लोबली और इंटरनेशनली, वो होता है डिस्टिक डायनामिक्स। स्टैटिक डायनामिक्स बिल्डिंग को लगा कुछ, बिल्डिंग टूटी, खत्म हो गई बात। सिमुलेटिव डायनामिक्स, पानी आ गया, आग आ गया, तूफान आ गया, मिट्टी का तूफान आ गया। डस्टल डायनामिक्स, जहां पे आपका कैरेक्टर, आपका पानी, आपकी हर चीज एक साथ मर्ज हो रही है, समअप हो रही है, जो कैरेक्टर पे भी इफेक्ट दे रही है, जो एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट दे रही है, और सारे का सारा एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है। मिसाल, ये जो सवाल लाते हैं ना आप, बहुत यार दिल को छू लेते हैं ये वाले सवाल, ऐसे ना यूट्यूब खोलते हुए डायरेक्ट डर लगता है। तो मैं लिखता हूँ इंसेप्शन मूवी सीन, और चलते हैं, आ गए आपके नॉलन साहब। यार इस का सब सिमुलेटिव है, एनवायरमेंटल डायनामिक्स है, और वो हर चीज़ पे इफेक्ट दे रहा है, लाइट पे, एटमॉस्फेयर पे, एनवायरमेंट। और इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत अमेजिंग डिजिटल टर्न का सकते हो ये चीज़, जहाँ पे पूरा एनवायरमेंट क्रिएट किया हुआ है इन्होंने, एक सिमुलेटर, सिमुलेटर पूरा एक एनवायरमेंट कर दिया, इसे कहते हैं डिस्टल्ट, जहाँ डायनामिक्स यूज किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें इनके, अगर उसमें चले जाएं हम, कौन सी थी वो यार, इंटरस्टेलर, उसमें तो डिस्टल्ट भरा हुआ, बेपना डिस्टल्ट। तो ऐसे अगर आपका कोई काम करना होगा तो फिर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आपका, और आपका सब कुछ डायनामिक्स में आएगा, हर चीज़ डायनामिकली होगी। और जब डायनामिक्स की बात की जाती है यूजुअल, तो हम एक नाम दे देते हैं इनको VFX का, और वो VFX कनेक्टेड होते हैं इनके साथ, क्योंकि वो विजुअली इफेक्ट दे रहा होता है। खैर, अब मूवी से हटते हैं और गेम्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक मूवी का कॉन्सेप्ट तो डेवलप हो ही गया। और B1 इज फॉर स्टैटिक, ये B1 हमने नाम दिया, ऐसा कोई नाम नहीं है। और एक और कहते हैं B2, दैट इज फॉर डायनामिक्स। और अब हम डेट टीम तो यहाँ यूज नहीं हो रही, तो इनको हटा देते हैं ताकि हमारा रफ वर्क जो है अब वो फेयर में आ सके। यहाँ चलते हैं और यहाँ रखते हैं गेम को, जिसमें हम कहते हैं यूजुअल
हम नाम सुनते हैं यूनिटी 3D, थोड़ा सा ऑफसेट रख लेते हैं, और एक और नाम सुनते हैं हम अनरियल इंजन। आपको ये पता होना चाहिए यहां से, क्योंकि जब आप प्रॉप्स डेवलप कर रहे होते हैं तो तभी से पता होता है डिपार्ट्स को, और डिपार्ट जब जिस डिपार्ट में जो प्रोजेक्ट जा रहा होता है तो वो ऐसा नहीं है हमारे वालों की तरह कि ईमेल कर दी कि भाई ये बना लो ये बना लो ये बना लो ये बना के दे दो हमें, ऐसा नहीं होता। डिपार्ट का लीड से लेके डिपार्ट के प्यून तक, और ये प्रैक्टिकल बात है, प्यून तक बैठा जाता है, और अगर स्टोरी बोर्डिंग में आ रहा है प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट आ रहा है आपका डिजिटल होके, तो इनका जो भी हेड होगा वो इन सब के साथ बैठेगा, वो प्यून भी बैठेगा इवन वहाँ पे, क्योंकि अक्सर व बेशतर लफ्ज़ सुना है मैंने अपने इंटर्नशिप में प्लम स्टूडियोज़ में कि इसे चेकर और इसको वॉच डॉग कहा जाता है यूजुअल। और ये वॉच डॉग क्या होता है, वो प्यून को कहते हैं कि वो इन सब पे नज़र रख रहा होता है, और वो नज़र जब रखता है जब उसको पता होता है कि चल क्या रहा, ताकि एक प्रैक्टिस है और ये रियल लाइफ प्रैक्टिस है, और ये हम सब की प्रैक्टिस है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम कुछ एरर कर रहे होते हैं, हमें महसूस नहीं होता, लेकिन बराबर वाले को महसूस होता है, वो देख रहा होता है, तो ये वॉच डॉग हमें बताता है कि यार ये गलत हो रहा है। तो इसलिए इनको बिठा के बाकायदा मीटिंग की जाती है, और डिपार्ट का हेड आता है और वह सब ब्रीफिंग देता है, और वह सब सुनते हैं, सब समझते हैं, इवन दो चाहे इस डिपार्ट का हेड हो, इस डिपार्ट का लीड हो, इस डिपार्ट का असिस्ट हो, इस डिपार्ट का जूनियर आर्टिस्ट हो, सीनियर आर्टिस्ट हो, वॉच डॉग हो, कोई भी, वो सब सुनेंगे, सब समझेंगे, सबके पास फाइल होगी, सब उसको स्टडी करेंगे, सब उस कैरेक्टर में होंगे और सब काम कर रहे होंगे। तो तब से पता होता है कि जो बन रहा है, जो ये एक लाइटर बन रहा है, ये कल को गेम में क्या रोल अदा करने वाला है, और वो उस हिसाब से बनेगा। जैसे हम अभी बात कर रहे थे सेशन स्टार्ट होने से पहले कि वो स्फीयर चूरा चूर होना है या वो ऐसे ही रहना है, बम करेगा यो करेगा क्या, तो उसका जो 2D डिजिटाइज होगा वो उस वे में होगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल कलर क्यों नहीं आया वे, अच्छा कलर नहीं आया, चलो क्या आया ना, अगर ये बॉल ये वही स्फीयर है आपका, अगर इसका खासा रोल नहीं है ना तो ये ऐसा बनने वाला है, क्योंकि इससे बम्प होगा, कैरेक्टर टकराएगा, और डेफिनेटली अगर इस वक्त इसे देखें हम, ये गेम में यूं दिखेगा और ये गेम में यूं यूं हो रहा है, क्या आपको इसके अच्छे वो ब्लेंड्स दिख रहे हैं, यही होता है जिसे हम कहते हैं LOD, लेवल ऑफ डिटेल, क्योंकि इस ये कैरेक्टर से टकराएगा, यू कैरेक्टर गिर गया, आउट हो गया, LOD की हेल्प से काम लिया जाता, लेकिन अगर ये कैरेक्टर से टकराएगा और ये हमारी वही बात चूर चूर होगा, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें बहुत कम स्टेप्स है, ये चूर चूर हो नहीं पाया था,
तो फिर इसमें बहुत सारे पॉलीगॉन्स होने चाहिए। आपकी उंगली में जितने सेगमेंट्स हैं उसी हिसाब से मोल्ड हो पाती है। जितने पॉलीगॉन्स होंगे उतना ही चूरा होगा, या वरना फिर ले जाओ पार्टिकल सिमुलेट करवा लो। आप एक पिक्चर रख लो स्फीयर की अच्छी सी, 2 KB की भी नहीं होगी, और फिर उस पर पार्टिकल्स लगाओ। और जब आप पार्टिकल्स लगा रहे हो तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने इंजन को नहीं कहूँगा, उस डिवाइस को कहूँगा जिस पे वो सिमुलेट हो रहा होगा और इमुलेट हो रहा होगा, चाहे वो प्लेस्टेशन 5 हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो। वहाँ पे आप देखते हो यूजुअल, अगर हम नॉर्मल एंड पीसी पे नॉर्मल स्पेसिफिकेशन पे 4K गेम चलाएंगे लैग करेगा, लेकिन आप ये देख रहे हो नैनाइट टेक्नोलॉजी को, नैनाइट टेक्नोलॉजी इसका पूरा वो आया था यार, एक ट्रेलर। आई गेस ये, लेकिन ये वो था क्या, उसमें तो लड़की थी यार। आप पढ़ो द एंड ऑफ पॉलीकॉन्स। मैं वो लड़की ढूंढ रहा हूँ। PS5 लिखते हैं। ये है ना वो। अब आप देखें डिटेल देखें। हाँ ये भी अच्छी डिटेल है। आओ जी। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे पत्थर टूट के आ रहे हैं, और आप डिटेल्स देख रहे हैं, दैट इज नैनाइट। अनरियल पे सब कुछ मॉडल हो, हवा के डिटेल हो, हवा के एंड ऑफ पॉलीकाउंट, जितने पॉलीकॉन है लेके आ जाओ, बाप बैठा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड है, लेके आओ। रीटोपोलॉजी तो करनी पड़ेगी, लेकिन इन एनवायरमेंटल नहीं, क्योंकि क्या हमें वो प्रॉपर डिटेल यहाँ पे दिख रही है? नहीं दिख रही है, लेकिन वो डिटेल यहाँ दिख रही है रीटोपोलॉजी। LOD लेवल ऑफ डिटेल, कौन करीब है कौन दूर है, और जो जितना करीब होगा वो उतना क्लियर दिखेगा, और जितनी क्लैरिटी होगी उतना। एग्जैक्टली बहुत सारे मसले एग्जैक्टली और मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि रियल टोपोलॉजी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, पॉलीकाउंट की कितनी केयर करनी पड़ेगी, कहाँ करनी पड़ेगी कहाँ नहीं करनी पड़ेगी, ये है नैनाइट टेक्नोलॉजी। अनरियल को बनाया ही इस वे में गया। ये देखें आप दूर एक मिनट आके देखें, आपको नहीं महसूस हो रहा, यहाँ कभी महसूस नहीं हो रहा, इसे कहते हैं लेवल ऑफ डिटेल, कितना दूर है, लेकिन जब आप पास जाएंगे तो वो आपको प्रॉपर दिखेगा। अब आप जाएं करीब, आपको प्रॉपर डिटेल। आप ZBrush से लेके आए, आप माया से लेके आए, आप मैक से लेके आए, आप ब्लेंडर से लेके आए, आप हुडिनी से लेके आए, आप कहीं से भी लेके आए, आप लालू खेत से ले आए, आप ले आए, बस वो डिटेल होनी चाहिए।
और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे चलेंगे तो और आगे और तबाहियां मचा रहे हैं भाई ये। आ जाओ कांग स्टैचूस, ये देख रहे हैं आप, ये पॉली, ये पॉली फ्यूचर है। यस यस यस, देखो इन एक्चुअल समझने वाली बात है कि आप देखते हो 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS, ये FPS जो है ना फ्रेम पर सेकंड, ये एक फ्रेम में उतनी पिक्चर्स हैं। ये LOD जो है ना ये वही पिक्चर्स पीछे रखी हुई है, दूर की पिक्चर, दूर के टाइम पे ऑगमेंटेड रियलिटी सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको देख के हमें समझ के हमारे पैरामीटर्स को समझ के लो डिटेल को लोड करेगा, जूं जूं हम करीब जाने लगेंगे वो हाई डिटेल को लोड करेगा। जब गेम लैग कर रहा होता है वो लैग ही यूं कर रहा होता है कि वो लो से हाई पे, हाई से लो पे शिफ्ट करते हुए फंस जाता है और वो लैग हो जाता है और हम कहते हैं यार पीसी की डिटेल्स कम है, स्पेसिफिकेशन कम है। वो यूं ही कम है क्योंकि वो कंप्यूट नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। तो कोई गेम हो मूवी नहीं कह सकते क्योंकि मूवी तो एक ही वे में चल रही होती है, लेकिन गेम आपके मल्टीपल उसमें बने हुए होते हैं लेवल ऑफ डिटेल्स में। जनरेट करता नहीं फिर से हम वो बात को दोहराते हैं कि हम डे वन से क्या जा रहे हैं कि लो पॉली बनाओ, हाई पॉली खुद हो जाएगा। जब आपका लो पॉली कैरेक्टर होगा तो वो लेवल ऑफ डिटेल्स के लिए रेडी होगा। हाई पॉली तो अभी आपने किया ना क्यूब को, कितनी देर की बात, लेकिन उसको लो लो पॉली करें। एग्जाम्पल तो आप हमेशा बनाते लो पॉली और फिर उसके हाई पॉली डिटेल्स निकाल के रखते हैं ताकि लेवल ऑफ डिटेल LOD बताए कि भाई 100 पैरामीटर्स पे, 400 पैरामीटर्स पे, 800 पैरामीटर्स पे या 4000 पैरामीटर्स पे, कितने पैरामीटर पे कौन सी LOD लोड की जाए, ये इंजन खुद सिमुलेट करेगा। तो इसलिए हम मल्टीपल LODs पे काम करते हैं रिस्पेक्टिव इन गेमिंग। यहाँ तक समझ में आ रही है, यहीं तक रखते हैं क्योंकि सारी बात कर लेंगे ना हजम नहीं हो पाएगी, भूल जाएंगे। और यहाँ पे छोड़ने का मकसद ये कि आप जरा नैनाइट टेक्नोलॉजी को स्टडी करो, पॉलीगॉन को स्टडी करो, पॉलीगॉन बिहेवियर को स्टडी करो। कहाँ यार ऐसी बातें क्यों करते हो यार, देखें एक बात, एक क्वेश्चन है और उसका जवाब भी आपको बहुत रियलिस्टिक दूंगा। अगर हम सबके घर में किचन होगा बाय चांस, अगर उस किचन में हम डांसिंग शो करें कैसा लगेगा, है ना? ऐसे ही हमारी मार्केट में हो रहा है कि हम अनरियल के अंदर आर्किटेक्चुरल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हमारी मार्केट में। क्यों? क्योंकि स्पीड में काम हो रहा है, रिजल्ट्स बाहर आ रहे हैं, जो चीज़ जिस लिए बनी है उसका यूजेज नहीं है। बस लक्कड़ अजम पत्थर अजम काम होना चाहिए, जो जिस लिए बना है उससे वो काम नहीं ले रहे। और अभी तक हम लोग यहीं पे ब्रेनस्टॉर्म ब्रेनस्टॉर्म गेम स्टॉप यूनिटी पे फंसा हुआ है, हम आगे जा ही नहीं रहे। हाँ एग्जैक्टली स्कैन्स है, स्कैन्स है वो, स्कैन्स है, 3D स्कैन्स है एंड टेक्सचर्स, लेकिन स्कैन्स है, थ्री डी स्कैनिंग होती है। नहीं सीन स्कैन नहीं हुआ है, टेक्सचर स्कैन है, टेक्सचर स्कैन है। जितना मैंने अभी देखा, मैंने उसकी पूरी केस स्टडी नहीं देखी है, भेजना मुझे, जितना मैंने देखा है टेक्सचर स्कैन है इसलिए वो रियलिज्म आ रहा है। हाँ ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने देखा,
समझा कि मुझे रेल है लेकिन जो कैरेक्टर गुजरा ना वहां से कैरेक्टर को देखने का एक देखें प्रॉब्लम पता है कैसी है सर के ये बात दर हकीकत है कि आपकी रियल लाइफ की लाइट और आपकी सीजी क्रिएटेड लाइट में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही अगर आप गेमिंग करें ना तो आप रियल लाइफ लाइट और सीजी लाइट को आप इजीली कैप्चर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारा बॉडी फिगर क्या है, और हम जब सीजी में देखते हैं हम समझ में आ जाता है कि यार ये बनाया हुआ है। ऐसे ही वो जो बादशाही नहीं शाही समथिंग करके है, वो महल क्या है ऐसे नाम है उसका, हाँ पता नहीं है शाहजहाँ ऐसी करके कुछ है, तो उस पर या जितना भी सीजी टेक्सचर होते हैं उस पर जो एक लाइट होती है वो फ्रेगमेंटेड लाइट कहलाती है, नॉन प्रिज्म लाइट। और नॉन प्रिज्म लाइट फ्रेगमेंटेड लाइट जो कि किसी भी सरफेस को रिफ्रैक्ट करती हुई जाएगी, नहीं एग्जैक्टली तो जहां रिफ्रैक्ट हो गई और रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन भी है वहां पे आप समझ जाएंगे ये सीजी। और ये जब बनता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन जब स्कैन्स यूज किए हुए, यहाँ पे भी स्कैन्स यूज किए हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज किए हुए स्कैन्स, लेकिन स्कैन्स की भी क्वालिटी एक होती है। वो कौन सी ऐप बताई थी वही मैं बता रहा हूँ, कौन सी ऐप बताई थी 3D स्कैनिंग की, नहीं नहीं इनको बताई थी मैंने, इनको इनको ये है ना एयर वाई एयर, अब नहीं यार मैंने कोई और से बताई थी, अरे नहीं यार तो वैसे सवाल करोगे तो मैं बताऊंगा भी, जब पूछोगे नहीं तो मैं क्यों बताऊंगा, मेरे पेट में दर्द थोड़ी ना है। देखो यार उसी के मैसेज के इंतजार में हूँ, पॉलीकैम कैम ये एप्लीकेशन है जो के ये लाइटर नहीं कहूंगा, वीडियो में लाइटर लाइटर आता है, मेरी माँ बोलती है लाइटर का क्या मसला है, ये जो स्टैचू है अगर आप पॉली कैम ऑन करो और इसकी 360 वीडियो बना लो तो आपको बहुत हद तक इसका 90% 3D मॉडल भी मिल जाएगा, इसके टेक्सचर भी मिल जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर कैमरा पॉली कैम। ना जी मोबाइल का कैमरा बहुत है, आपका पूरा गेम वही, आपका पूरा पबजी 3D स्कैन पे बना हुआ है पूरा गेम, और रियल हाँ हाँ गेम पूरा, एनिमेशन तो अलग है, एनिमेशन मोकैप होती है, मोशन कैप्चरिंग होती है, एग्जैक्टली मोशन कैप्चरिंग तो अलग है, वो जो पूरा गेम आप देख रहे हैं वो सारा रियल लोकेशंस पे रियल ऑब्जेक्ट्स की स्कैनिंग यूज की गई है, मॉडलिंग नहीं करते हैं। अब बहुत कुछ आगे बदल गया, तो आप ट्राई करें पॉलीकैम इंस्टॉल करें एप्लीकेशन और किसी भी चीज़ के पकड़े और गोल गोल घूम के साथ फेरे लगाएं, मंगलसूत्र बांधे, देखें आप फिर फुल मेरा भाई, तो चीज़ें बदल गई हैं और बेशबाहा बदल गई हैं। और ये सारी बातें नॉर्मली करते यूँ नहीं है, आप लोग समझने के मूड में हो तो बात हो रही है, वरना अगर समझने के मूड में नहीं हो और ये बातें कर लिए जाए ना तो दूसरे दिन 2-3 बच्चे दिखें, भाई ये क्यों है भाई यार, ये नहीं ये होता है एक्चुअली, क्योंकि करना नहीं है ना अपने को, प्रॉब्लम हमें उस चीज का पूरा मेकओवर नहीं समझना, हमें एंड रिजल्ट चाहिए। इसलिए इवन दो यूजुअल अब के हिसाब से लाइक जिस कम्युनिटी में मैं हूँ सीजी की, वहाँ पे पिछले 2 सालों से मैंने कैरेक्टर मॉडलिंग नहीं सिखाई है,
क्यों कैरेक्टर मॉडलिंग अब होती नहीं है। सॉफ्टवेयर है हेडशॉट आईक्लोन, आपको जैसा स्टाइलाइज कैरेक्टर चाहिए आप वहां से लो, उसको लेके जाओ अपने सॉफ्टवेयर में, चाहे वो मैक्स हो, माया हो, ज़ीब्रश हो, कोई भी हो, वहां पे उसकी डिटेलिंग करो। ऐसे अब टांग हाथ पांव नहीं बनाए जाते, नॉर्मल लिया जाता है बेस मैश और उसको मॉडिफाई किया जाता है कैरेक्टर की सूरत में जैसा आपको चाहिए। एक्चुअल वे ही है एग्जैक्टली। लेकिन हम इस वे में पढ़ेंगे ना, पढ़ लेंगे उसके बाद बोलेंगे यार कैरेक्टर मॉडलिंग तो सिखा ही नहीं सर ने, हमारा मामला ही है। वो तो ऐसे भी पढ़नी चाहिए, ऑन बोर्ड ऑनेस्ट होके हम कैरेक्टर और एनाटॉमी को हमने अभी तक फॉलो नहीं किया 0%। तो क्यों क्यों बिला वजह हम टाइम वेस्ट कर, वी नीड टू बी लॉयल विद आवर सेल्फ एक्चुअली फर्स्ट। उस वे में काम करो है? यार ये जैसे डोरेटोस आता है ना, ऐसे प्रिंगल्स आते हैं, ऐसे एनाटॉमी भी आते हैं। इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर या इंसान का क्या, या किसी भी चीज का बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी किस फ्लो में किस वे में बनी है, एनाटॉमी, जिसको हम अपनी पाकिस्तानी जबान में एनाटॉमी भी कहते हैं। चाहे एनाटॉमी को एनाटॉमी को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे आके बहुत सारी चीज़ें होंगी दरपेश आएंगी, और आप फिर बुक्स खोल के बैठोगे तो पानी सर पे से गुजरे पहले पढ़ लो, ताकि जब पानी सर पे आए तो आप उसको प्रैक्टिस कर सको। देखें इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एक साउंड प्रोफेशनल नहीं होता। फॉर इंस्टेंस अगर हम बैठे हैं हर सेशन में और मैं एक स्क्रीन पे एक वीडियो चला लूँ कोई ट्यूटोरियल कि भाई एक एक कैरेक्टर मॉडल हो रहा है, और फिर मैं साथ साथ करके भी दिखाता रहूँ, अब बोलोगे यार ऐसा तो मैं घर पे भी कर सकता हूँ, प्रोफेशनली साउंड नहीं हो रहा ना। लेकिन जो आप घर पे करोगे वो आप इंसान की जगह जानवर बना लोगे, हम मात निकल के आएगा। हाँ मैं भी आ सकता हूँ बिग जानवर। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यार नहीं ये देख के क्यों किया इसने, लेकिन हम समझते नहीं है कि वो जो देख के कर रहा है तो वो कितने सारे इंस्टेंसेस को जानता है। इसीलिए जो आप बुक रखते हो या कोई भी चीज़, अक्सर ओपेशन लोग क्ले बना के काम करते हैं, पहले एक छोटा सा मॉडल पपेट बनाते हैं, उसको डिटेल देते हैं और फिर उसके साथ काम करते हैं। तो अगर आप उसको एक बार डिटेल पढ़ लेंगे तो ये सारे अनवांटेड प्रोसेस से आप बचेंगे। और फिर आप नहीं, वो तो फिर जोड़ है ना, वही डिमांड एंड सप्लाई बात आ जाएगी ना सर। नहीं नहीं बुरी बात, गुना गुना कमाना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ रही है कहानी, नेक्स्ट सेशन में बैठते हैं देखते हैं, अगर इसका मूड बना इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना हमारा फेस रहता है उसे कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आपकी पूरी बॉडी रेडी हो जानी चाहिए। आपको प्रॉब्लम आएगी पाम में जिसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे, आपको बाकी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और अगर जो आएगी तो आप वो लिख के लेके आना ताकि उसके बारे में गुफ्तगू करें। और फिर नेक्स्ट सेशन में जाएंगे फेस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक होगी? खोल लें अपने अपने कंप्यूटर्स और बैक टू वर्क एंड आई बेस्ट।